भाई जांगला पास बिल्कुल भी इजी नहीं है, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। यहाँ पे हम रुके हुए थे, जो रीजन देख रहे हो तुम, बाइक भी अपनी ही पार्क थी, सामने पैंगोंग लेक है। अब चलते हैं पैंगोंग पे, फोटो खिंचाते हैं एंड फिर आगे चलेंगे। हम टोंगसे से ही आपका रास्ता कटा हुआ है पैंगोंग के लिए, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी ही देर में। टोंगसे गांव में मॉनेस्ट्री भी है, मॉनेस्ट्री अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, बट मैं नहीं गया। यहाँ पे खाने वाने का भी बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जलेबी मिल रही है भाई यहाँ पे, सही है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये है टोंगसे गांव पूरा, टोंगसे। हाँ, कैंप्स वगैरह भी, मतलब रहने रुकाने का तो वो इंतजाम मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अगर इनकेस तुम पैंगोंग आ रहे हो और तुम्हें रात हो जाती है और तुम्हें रुकना है कहीं, तो ये तो दुर्बुक, ये तो टोंगसे। टोंगसे से थोड़ा पास में पैंगोंग, टोंगसे से दुर्बुक भी कुछ किलोमीटर्स पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यस, हाँ बने तो हैं, ट्री हाउस हट वगैरह, हट हाउस बने हुए हैं, सो चल जाएगा काम। ओहो भाई, पंचर हो गए तुम। सो ये रास्ता गया हुआ है तुम्हारा टोंगसे, उसके टोंगसे के लिए, और जिस रास्ते में उतर रहा हूँ ये पैंगोंग जाता है। तो जब तुम यहाँ आओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दुर्बुक। दुर्बुक यहाँ से 6 किलोमीटर दुर्बुक। नेचर इज अवर मदर, डू नॉट पॉल्यूट इट। ओके, लिकर ओवर राइडिंग एंड ओवर स्पीडिंग आर एनिमीज ऑफ रोड, एकदम सही बात कही है भाई। खारू दिखा रहे हैं 75 किलोमीटर, एंड खारू से राइट लेके आप ले जा सकते हैं, खारू से लेफ्ट लेके आप मनाली वाला रूट पे जा सकते हैं। सो आज का प्लान तो यही है मेरा कि मैं मनाली रूट पे जाऊं, बाकी जो वो पैच है ना 70 किलोमीटर वाला सरचू के पास, वो बहुत टायरिंग हो जाएगा, क्योंकि 70 किलोमीटर तक ऑफ रोड, प्रॉपर ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। सो ठीक है, मेंटली तो प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए मैं, और फिज़िकली तो हमेशा रहता हूँ। बाकी चलो, ये हमारा दुर्बुक है, यहाँ पे रुक के कुछ नहीं खाएंगे हम, सीधा निकल जाएंगे हम, और फिर मिलते हैं। चांगला पास का लग रहा है मौसम कुछ ख़राब, देखो सामने बारिश वारिश ना हो रही यार, दिक्कत पड़ जाएगी फिर मुझे। इधर साफ है, उधर देखो कितना ख़तरनाक है, बर्फ ना कि स्नोफॉल ना हो रही हो बस, बिकॉज चांगला पास में बहुत स्नोफॉल होती है यार। और फिर खींच देंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये वाला पैच जो है ना सरचू वाला, कोशिश करेंगे कि आज ही कवर कर लें, क्योंकि अगर वो निकाल लिया एक बार तो उसके बाद तो जर्नी फिर इजी है, और वैसे अगर उसमें निकालने में देर भी हो जाती है ना तो सरचू में अपना स्टे हो सकता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खाली रोड मिलेगी उसे खींच देंगे थोड़ा सा, तो वो कवर हो जाएगा हल्का। अभी चांगला पास तक तो दिक्कत होगी,
बिकॉज चढ़ाई भी है और उसके बाद रोड भी ख़राब है थोड़ी सी, मैंने सुना था कल। और जब मैं जोजीला से होके आ रहा था तो वहाँ पे एक आदमी मिला था, उसने बताया भी था कि यार चांगला पास मत जाना बिकॉज वो रूट बहुत ही रिस्की है। सो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या सीन है। चांगला पास से हमें स्नोफॉल मिलेगी पक्का, अभी भी मिल रही है थोड़ी थोड़ी सी, शायद कैमरे में तुम्हें दिख ना रहा हो। मजा आ रही भाई, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। भाई चांगला पास बिल्कुल भी इजी नहीं है, और कैसे तैसे करके बस नहीं क्रॉस करना है इसको, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा। बहुत 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 मुश्किल है, बहुत। देख रहे हो पैरों से तक लगानी पड़ रही है। ठंड भाई बहुत लग रही है, और शायद हम पहुंचने वाले हैं। भाई पहुंच गए यार चांगला पास, इतना खतरनाक पास है भाई ये कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। होए होए होए, भाई पहुंच गए चांगला पास, हालत हो गई खराब।
बहुत ख़राब हालत हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब। और मेरे ओपिनियन में चांगला पास खारदुंगला से 10 गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। खारदुंगला में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रोड है। और अभी चांगला पास चढ़ के आए थे, रोड ख़राब है, अब उतरने में भी रोड ख़राब है। सो थोड़ा केयरफुल रख के उतरना पड़ेगा, बिकॉज स्नोफॉल भी हो रही है हल्की हल्की सी, एंड ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, हालत तो रखी है ख़राब थोड़ी सी, तो आराम आराम चलेंगे। 16 किलोमीटर तक अभी रास्ता और ख़राब है, एंड खारू है यहाँ से 40 किलोमीटर। देखो खारू पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। शक्ति से हम लोग नीचे उतर आए हैं, अब मैं बढ़ रहा हूँ खारू की तरफ। खारू देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे है। दिल्ली मनाली खारू से खरगू, हम पहुंच चुके हैं खारू। खारू में कुछ खाएंगे एंड देन फिर आगे बढ़ जाएंगे। यस, तो ये सीधा रास्ता गया है तुम्हारे ले के लिए, एंड ये जाता है खारू, ये जाता है जिसपा। शक्ल मत जाना, बहुत बुरी हालत हो गई चांगला पास पे भाई। बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और रोड उसका जो है ना बहुत ख़राब है। मेरे कंपैरिजन में खारदुंगला से टफ जो राइड है वो चांगला की है। मतलब मैं बता रहा हूँ, स्नोफॉल हो रही थी, गड्ढे थे रास्तों में, पानी भरा हुआ था, कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी है रास्तों में, इतना ट्रैफिक। कैसे तैसे करके हम खारू पहुँचे। प्लान तो ये था कि जिसपा निकल जाएंगे, बट अभी आगे का मौसम बहुत ख़राब दिखा रहा है। मैं तो रिस्क ना लेते हुए खारू में ही रुक गए। खारू में रूम मिला है 500 रुपये का। ले वापस जाना कुछ मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज 40 किलोमीटर फिर जाओ फिर आओ, इसलिए हम यहीं रुक गए। कल मॉर्निंग में यहीं से मनाली के लिए निकल जाएंगे। मनाली कुछ यहाँ से 400 के आसपास किलोमीटर है, तो कल मनाली पहुँच के रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए। आराम करेंगे और सोचेंगे जल्दी। Thank you.